हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देसी इलाज के बारे में कि आप किस तरीके से अपने पशु का देसी तरीके से अपने घर में पड़ी हुई वस्तुओं को जूस करके अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो अब बात करते हैं देसी इलाज के बारे में कि आप ऐसी कौन सी वस्तुएं यूज कर सकते हैं जिससे आप अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करने से पहले, देसी इलाज के बारे में जानने से पहले, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बात का ध्यान रखें कि आप देसी इलाज के साथ अपने पशु को एलोपैथिक ट्रीटमेंट जरूर दें। मींस आपके पशु को कोई भी डिसीज या उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप साथ में दें, क्योंकि देसी इलाज जो है वो काफी समय ले जाता है पशु को ठीक करने में। तो साथ में आप एलोपैथिक अपने पशु को ट्रीटमेंट दें जिससे आपका पशु जो है सेती रिकवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं लंगड़े बुखार के देसी इलाज के बारे में कि आप लंगड़े बुखार में, जिसको हम ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, उसमें ऐसा कौन सा देसी इलाज आप कर सकते हैं। तो लंगड़ा बुखार जो है एक बैक्टीरियल रोग है जिसमें बैक्टीरिया पशु के शरीर में टॉक्सिन छोड़ता है और टॉक्सिन्स की वजह से हमारे पशु की डेथ हो जाती है। तो उस टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए आप कौन सा देसी नुस्खा अपनाएं, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने अलसी का तेल लेना है 250 ml, मीन्स आपने 250 ml अलसी का तेल लेना है, और गंधक लेनी है उससे आधी मात्रा में, 125 ग्राम आपको गंधक चाहिए। पीस आपने गंधक को पीस लेना है और साथ में 15 ग्राम अपने सूंड मिलाना है। इन तीनों वस्तुओं को आपने जो है अलसी के तेल में बारीक पीस कर मिला लेना है, और इनका जब एक घोल बन जाता है तो उसको पानी में घोल कर आप अपने पशु को पिलाएं, और ये आपने तब तक पिलाना है जब तक आपके पशु को दस्त ना लग जाए, मींस मोक ना लग जाए। और जब आपके पशु को दस्त लग जाते हैं तो उसके साथ शरीर में जो भी बैक्टीरिया के द्वारा छोड़ा गया टॉक्सिन होता है, जहर होता है, वो गोबर के साथ पशु के शरीर से बाहर आ जाता है, और पशु पर बैक्टीरिया के द्वारा छोड़े गए जहर का असर नहीं होता और आपका पशु तंदुरुस्त हो जाता है। तो आप ब्लैक वाटर में ये ध्यान रखें कि आप अपने पशु को ये जो भी देसी इलाज दे रहे हैं उसके साथ पेंसिलिन जरूर देते रहें ताकि जो बैक्टीरिया है उनको पेंसिलिन खत्म कर दे। इसके बाद बात करते हैं हम लेवे की सोजिस के बारे में कि अगर आपके पशु को मस्टाइटिस हो जाती है, जिसमें पशु के लेवे और थनों में सोजिस पैदा हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए आप कौन सा देसी नुस्खा तैयार कर सकते हैं जिससे आप अपने पशु के लेवे और थनों की सूजन को कम कर सके, या फिर अगर आपके पशु का जो दूध है वो फटा हुआ आ रहा है, उसके लिए आपने भूरी मिर्चा आती है जिसको हम ब्राउन पेपर बोलते हैं, वो ब्राउन पेपर आपने 20 ग्राम लेनी है, और 20 ग्राम लेकर आपने ब्रीक पीस लेनी है। बिल्कुल ब्रीक पीसने के बाद आप अपने पशु को गुड़ के साथ मिलाकर अपने पशु को खिलाएं, आपने ये खिला देना है, और तब तक ये इलाज जारी रखना है जब तक आपके पशु के लेवे की सोजिश कम ना हो जाए या फिर जो मस्टाइटिस है उसका इलाज बिल्कुल ना हो जाए। मीन्स उसका जो दूध अगर फटा हुआ आ रहा है तो दूध जो है सही हो जाए या फिर लेबे की सोजिश खत्म हो जाए, तब तक आप ये इलाज जारी रखें। इसके बाद बात करते हैं अगर आपके पशु के शरीर पर मौके हो जाते हैं, जिसे हम मस्से बोलते हैं, अगर आपके शरीर पशु के शरीर पर मौके हैं, उन मौकों को खत्म करने के लिए आप कौन सा देसी इलाज अपनाएं जिससे वो मौके हैं वो सूख जाए, इसके लिए आपने कौन सा जो वस्तुएं हैं वो लेनी है, उसके लिए आप पपीते का तने का दूध लगा सकते हैं। पपीता होता है, उसके तने को कट लगाएं, उससे जो दूध निकलता है वो लेकर आप अपने पशु के मौकों पर या मस्सों पर लगा सकते हैं जिससे मौके जो हैं वो सूख जाते हैं। या फिर आप नीला थोथा लेकर उसमें पानी के कुछ तुपके लगा दें जिससे नीला थोथा जो है वो गिल्ला हो जाता है। सो उसके बाद उसमें गिल्ला होने के बाद आप माचिस की तीली के साथ उसको पशु के शरीर में हुए हुए मस्सों पर लगा सकते हैं। इसके साथ मस्से जो है आपको 2 से 3 दिन में ही सूख जाते हैं, पशु के शरीर के चमड़ी जो है वो साफ हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने पशु के शरीर से जो मस्से हैं या मौके हैं वो हटा सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी नीला थोथा लगाते हैं वो ज्यादा डोज में ना लगाएं, ज्यादा मात्रा में ना लगाएं, और जहां पर चमड़ी सही है वहां पर बिल्कुल भी ना लगाएं। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पशु में अगर ब्लीडिंग हो रही है, मींस खून बग रहा है, आप उस खून को रोकने के लिए, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा देसी नुस्खा अपने पशु पर अजमा सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपने फड़कड़ी लेनी है, आप कोई भी आम फड़कड़ी ले सकते हैं, उसको ब्रीक पीस कर आप अपने किसी भी तरीके से ब्रीक पीस ले, और ब्रीक पीसने के बाद उसको
पशु के जख्मों पर लगा दें, जख्म चाहे पुराना हो या नया, जिसमें भी खून निकलता है आप उस पर फटकड़ी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास फटकड़ी नहीं है तो आम जो होता है, आम का पेड़ होता है, उसका शक ले लें और शक को आप ब्रीक टुकड़ों में पीस लें। जब वो ब्रीक हो जाता है, उसका चूर्ण बन जाता है, तो उस चूर्ण को आप अपने पशु के जख्म पर लगा सकते हैं, जहां से पशु के ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो किसी भी हिस्से से हो रही है, आप वहां पर ये चीजों को अप्लाई करके पशु में हो रही ब्लीडिंग को या खून जो बह रहा है उसको रोक सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पशु के थनों पर ब्याइयां पड़ जाती हैं, या जख्म हो जाते हैं पशु के थनों पर, उसका ट्रीटमेंट आप किस प्रकार से अपने घरेलू चीजों को यूज करके कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले नीम के पत्ते लेने हैं, नीम के पत्तों को ब्रीक पीस लेना है। अगर आपको नीम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, अगर तुलसी है तो आप तुलसी ले सकते हैं, तुलसी के पत्तों को ब्रीक पीस कर आप उनका अर्क निकाल लें। आपको 10 ग्राम अर्क लेना है और उसको बैसलीन में मिला लेना है। बैसलीन में मिलाने के बाद उस अर्क को अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने पशु के थनों पर लगा सकते हैं, जहां पर भी आपके पशु के थन पर ब्याई है, चाहे फिर कोई जख्म है, ऐसी स्थिति में आप ये यूज कर सकते हैं। अपने पशु के थनों पर लगा दें चुवाई के बाद, तो आपके पशु की जो ब्याइयां हैं वो ठीक हो जाती हैं, जो जख्म है वो ठीक हो जाएंगे। आप ये इस बात में ध्यान रखेंगे, आप अपने पशु को जब भी चुवाई करते हैं तो चुवाई करने से पहले आप अपने पशु के जो थन होते हैं या टीट को साफ करते हैं, तो वो थोड़ा कोसे या थोड़े गर्म पानी से साफ करें, ठंडे पानी से जो है ज्यादा पशु के जख्म होते हैं थनों पर ब्याइयां पड़ती हैं। मोक के बारे में बात करते हैं, मोक का देसी इलाज के बारे में जानते हैं कि अगर आपके पशु को मोक लगी हुई है, दस्त लगे हुए हैं या फिर डायरिया है, इसके लिए आप कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाकर अपने पशु की जो दस्त हैं उनको बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाय पत्ती चाहिए, आपने एक मुट्ठी चाय पत्ती लेनी है और उसको पानी में उबाल लेना है। जब आपका वो पानी में उबलने लगे तो आपने सलनी के द्वारा उसको सान लेना है और जो पानी बच जाता है उसमें आपने सौंठ डालनी है, जिसको हम सुंड बोलते हैं, वो अपने 50 ग्राम ब्रीक पीस कर उस पानी में मिला लेना है और अपने पशु को दे देना है। ये 3 से 4 दिन आप अपने पशु को दें, जिससे आपके पशु के दस्त जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपका पशु को मोक या फिर डायरिया है, आप डायरिया में भी ये यूज कर सकते हैं, या फिर दस्त लगे हुए हैं उसमें आप अपने पशु को दे सकते हैं, उसके दस्त बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सो बात करते हैं अफारे के बारे में कि अगर आपके पशु को एक एक तेजी से अफारा होता है, या फिर आपके पशु को बार बार अफारा होता है या गैस बनती है, उसका इलाज आप कैसे देसी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कौन कौन सी चीजें जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले आपको सोडा चाहिए, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो आपने 50 ग्राम लेना है। उसके साथ आपको नसादर लेनी है 40 ग्राम, और नसादर को आपने ब्रीक पीस लेना है। ब्रीक पीसने के बाद आप सोडे और नसादर को मिक्स कर लें। उसको मिलाने के बाद आप पानी में घोल बना लें, उसको पानी में घोल कर एक घोल तैयार कर लें और अपने पशु को दे दें, जिससे आपके पशु का अफारा जो है वो ठीक होने लगता है, उसकी गैस कम होने लगती है। या फिर आप साथ में दूसरा ट्रीटमेंट आजमा सकते हैं, आपने नमक लेना है 100 ग्राम, खारी नमक आता है वो 100 ग्राम लें, और अलसी के तेल में 500 ml आपने आधा लीटर अलसी का तेल लेना है, उसमें नमक को मिलाकर आपने अपने पशु को दे देना है, या फिर आप पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पशु को अफारे से निजात दिला सकते हैं, अपने पशु का बार बार होने वाला अफारा जो है वो ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लकवे के बारे में, जिसको हम अधरंग या पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस में क्या होता है कि लकवे में हमारा पशु बैठ जाता है, उसका एक पासा जो है वो खड़ जाता है, जिसके कारण हमारा पशु खड़ा रहने से असमर्थ हो जाता है और हमारा पशु जमीन में गिर जाता है। ऐसी स्थिति में आप लकवे को ठीक करने के लिए कौन सा देसी नुस्खा जो है अपना सकते हैं। इसके लिए आपने दूध लेना है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, चाहे वो काऊ मिल्क है या बुफेलो मिल्क है। आपने दूध लेकर उसमें अंडे की जर्दी मिलानी है। आप 2 लीटर दूध में 15 से 20 अंडों की जर्दी मिलाकर एक बार एक दिन में अपने पशु को पिला दें, और आपने ये ध्यान रखना है कि आप ये तब तक देते रहें जब तक आपका पशु पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता। लकवा जो है वो सही होने में काफी टाइम ले जाता है, इसको 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, तो आपने ये ट्रीटमेंट तब तक जारी रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पशु के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई जख्म है, उस जख्म को ठीक करने के लिए आप कौन सा देसी नुस्खा अपना सकते हैं, या फिर उस जख्म पर आप ऐसा कौन सा देसी नुस्खा अपनाएं जिससे आपके पशु के जख्म जो हैं वो सूख जाएं। इसके लिए आपने तारपीन का तेल लेना है, आप 10 से 20 ml तारपीन का तेल लें और उसमें कपूर को ब्रीक पीस कर आप तारपीन के तेल के साथ मिला लें, और इस तेल को जो भी तेल बनता है कपूर मिलने के बाद, आप उसको अपने पशु के जहां पर भी जख्म है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब भी अप्लाई करते हैं, या दिन में 2 बार अपने पशु के शरीर पर लगाएं, जिससे पशु के शरीर में कोई भी जख्म है
या फिर वो कीड़े पड़े हुए हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की, कि अगर हमारे पशु को कब्ज हो जाती है या बन पड़ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके देसी इलाज के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपने अलसी का तेल लेना है या फिर आप अरंडी का तेल भी ले सकते हैं। आपने ये तेल 100 ग्राम लेना है या 100 ml लेना है, उसमें सौंठ मिला लेनी है 20 ग्राम। तो सौंठ जो है आपने ब्रीक करके पीस कर आप अपने इस तेल में मिलाकर अपने पशु को पिला सकते हैं। इससे देने के 3 से 4 घंटे बाद ही पशु को जो है मोक लग जाती है और पशु का पेट साफ हो जाता है, उसका बन जो है कब्ज जो है हट जाती है। आप कोई भी देसी नुस्खा अपनाने से पहले ये ध्यान रखें कि आपने जो भी नुस्खा देना है वो तब तक जारी रखना है जब तक आपका पशु पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता या तंदुरुस्त नहीं हो जाता। और ऐसे में आपने इंग्लिश जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है वो भी अपने पशु को साथ में देना है। देसी इलाज में टाइम लगता है पशु को ठीक होने में, तो उसके लिए आप साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट जैसे लंगड़ा बुखार है या लकवा है उसमें जरूरत पड़ती है कि आप अपने पशु को एलोपैथिक ट्रीटमेंट साथ में दें। और आप अपने पशु को कोई भी देसी इलाज जो है किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं जिससे आपका पशु जो है तंदुरुस्त हो जाता है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी देसी इलाज के बारे में पता चल सके। और ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।